आज हम बात करेंगे किसान भाइयों, 14201 कैसी भूमि में होने वाली किस्म है। अगर किसान भाइयों आपकी बलुई ज़मीन है, यहाँ अगर ज़मीन आपकी कम उपजाऊ है, तो उन क्षेत्रों के लिए या बैटी बिल्कुल नहीं है, आप उन क्षेत्रों के लिए 15023 का चयन कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों यह जो जो गन्ना है हल्का जैसे अधिक उपजाऊ भूमि में होने वाली किस्म है, क्योंकि जैसे हमारा पहले गन्ना हुआ करता 8436, उस टाइप का यह गन्ना है। यानी अगर आपके क्षेत्र में 8436 गन्ना कामयाब था, तो आप यकीन मानिए आपके क्षेत्र में 14201 गन्ना जो वाटी है 38 से भी ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। क्योंकि किसान भाइयों इसका जो इंडिविजुअल गन्ने का भार है ना, वो काफ़ी अच्छा आता है। क्योंकि बहुत से किसान जानते हैं कि 8436 जो गन्ना था वो तकरीबन खाली 7 से 8 फीट ही हाइट लेता था, परंतु उसका जो वेट होता था बाकी सभी गन्नों से ज़्यादा आता था। और उसी टाइप का बिल्कुल गन्ना है, क्योंकि इसका जो हाइट है किसान भाइयों 8436 के मुकाबले इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि यह गन्ना तकरीबन 11 से 12 फीट तक का हाइट या ले लेता है। और इसके साथ साथ इसकी जो किसान भाई का पेड़ी है वो भी 8436 के मुकाबले काफ़ी अच्छी आती है। और टिलरिंग की बात करें तो किसान भाई का टिलरिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो आप जितने गन्ने देख रहे हैं सिंगल बर्ड से ही देख रहे होंगे, नीचे से सिंगल बर्ड से ही इतने गन्ने निकले हैं। और तकरीबन सभी में ऐसे ही हैं, जितने आप देख पाएंगे जितने भी गन्ने हैं तकरीबन 4 से 5 गन्ने आपके हर एक बर्ड से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिला के इसमें जो टिलरिंग है वो भी 8436 से ज़्यादा है। और लंबाई तो आप देख ही पा रहे होंगे, तकरीबन यहाँ 11 फीट का गन्ना हमारा खड़ा है इस खेत में, क्योंकि फरवरी में इसकी प्लांटिंग की थी। और अगर आपके किसान भाई बलुई ज़मीन है तो आप इस वैटी का चयन ना करें, इस वैटी की जगह पे आप 1235 या 15023 गन्ना किस्म का चयन करके इसको लगा सकते हैं। और इस वैटी में इसमें एक खास बात और है, तो इसका जो अगौला है आखिरी तक आते आते इसमें पूरा गन्ना बन जाता है। देखते होंगे आप, ये देख रहे होंगे कि यहाँ तक इसमें समय गन्ना बना हुआ है, यानी बहुत ही कम इसमें अगौला ऊपर बचता है, पूरा गन्ने पूरा का पूरा अगौला गन्ने में ही परिवर्तित हो जाता है। यानी कुल मिला के देख रहे होंगे आप, पूरा इसका देख रहे होंगे जो नीचे से ऊपर तक पूरा अगौला गन्ना बन चुका है। इसीलिए किसान भाई इसकी जो हाइट है ना वो काफ़ी अच्छी जा रही, देख रहे होंगे आप ये पूरा ऊपर तक अगौला जो है गन्ना बन चुका है। और अगर किसान भाई आपका क्षेत्र हल्का यानी आपकी खल्ले वाली ज़मीन है कह लें इसको, यानी जहाँ हल्का पानी भरता है, तो वैसी ज़मीनें में भी यह अधिक उपज देने की क्षमता रखती है। अगर आपकी चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी आपके क्षेत्र में है, या कुल मिला के ये कहने का तात्पर्य अगर आपके यहाँ 8436 जो गन्ना बैठी थी किसान भाइयों, अगर वहाँ अच्छे से होती थी तो वहाँ वो उसी क्षेत्रों के लिए 14201 गन्ना बैठी भी है। क्योंकि इसका जो उत्पादन है ना, अगर आपके क्षेत्र में अगर 8436 अच्छा होता था उसके मुकाबले यहाँ भी उससे भी ज़्यादा उत्पादन देगी, और 238 से भी ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। और अगर इसकी किसान भाइयों हाइट आप देख रहे होंगे या ये फरवरी माह की प्लांटिंग है, और तकरीबन 11 फीट तक यह गन्ना हमारा हाइट ले चुका है। थोड़ा सा मौसम ख़राब होने की वजह से हमने खाली इसमें एक ही बंधाई कराई थी, तो उसकी वजह से हल्का लॉजिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फरवरी माह का गन्ना बोया हुआ था और काफ़ी हमने इसमें ज़्यादा पनाही भी नहीं करवाई थी। और ये अगर किसान भाइयों इसके साथ साथ हम पहचान किसकी बात करें तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख रहे होंगे आप ये 1401 गन्ना वैटी, जो ओरिजिनल 1401 गन्ना वैटी होगी ना किसान भाइयों, इस टाइप का पत्ती उतारेंगे आप, हल्का सफेदी लिए गन्ना अंदर से निकलेगा, और यानी जैसे 8436 था उसी तरीके का यहाँ का गन्ना निकलेगा। अगर आपको मैं इसकी पहचान बताऊँ तो आप देख पा रहे होंगे ये जितनी भी आप आँखें देख रहे हैं गन्ने की, उसमें एक खास प्रकार की आप आकृति देख रहे होंगे, जैसे ये देख रहे हैं ये पंखनुमा आकृति आपको इसमें देखने को मिलेगी। यानी आँख के दोनों तरफ आपको जो है किसान भाइयों ये आपको पंख नज़र आएंगे, ये इसकी खास पहचान है। क्योंकि पंखनुमा आकृति इसके जितने आप बर्ड देखेंगे सब पे, अगर बर्ड मैच्योर हो चुकी हैं सब पे आपको पंखनुमा आकृति आपको देखने को मिलेगी। ये देख रहे होंगे आप जो का भूरे से रंग की आकृति है, ये आपको देखने को मिलेगी आँख के ऊपर। और इसके साथ साथ देख रहे होंगे जैसे ही आपकी ये आँख ख़त्म हो रही है देख रहे होंगे, उसके ऊपर आप छल्ला देखने को मिलेगा। यह छल्ला किसान भाई हरे रंग का भी हो सकता है, अगर आपकी पत्ती पहले से उतरी हुई है तो यह हरे रंग का हो जाएगा। अगर आपकी पत्ती अगर नहीं उतारी है आपने, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे इसमें देख पा रहे होंगे इस तरह का पीले रंग का छल्ला आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, देख रहे होंगे आप ये आपको पीले रंग का छल्ला आपको देखने को मिलेगा। ये देख रहे होंगे आप
जैसे आपकी आँख ख़त्म हो रही है उसके तुरंत ऊपर पीली लाइन आपको देखने को मिलेगी, और आँखें देख रहे होंगे हल्का बटन शेप में आपकी आँखें देखने को मिलेंगी, हल्का सा उभरी हुई आँखें होंगी, और अगोले आप देख पा रहे होंगे, आपको ज़्यादा कांटे आपको नज़र नहीं आएंगे। और जो इंटरनोड है किसान भाइयों, वो नीचे से हल्का आपको बड़ी इंटरनोड देखने को मिलेंगी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो आप ऊपर से आपके जो इंटरनोड थोड़ा आपकी छोटे होते जाएंगे। और इसकी एक महान पहचान किसान भाई ये भी है, अगर आप इसको यहाँ पत्ती उतारेंगे, इसको आप खरोचेंगे तो देख रहे होंगे आप कितना इसमें वैक्स है, वैक्स की मात्रा इसमें गन्ने में किसान भाई अधिक होती है। अगर किसान भाई वैक्स की मात्रा जिस गन्ने में अधिक होती तो वह बीमारियों से लड़ने का अच्छा सूचक माना जाता है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, ये जो गन्ना बैठी गई है, अगर आप अच्छा फसल चक्र अपनाते हैं, यानी आप अगर अगर उसमें आप धान की फसल लेते हैं तो धान काट के अगर गन्ने की बुआई करते हैं ना, तो आपका यकीन मानिए किसान भाइयों 38 से भी ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। क्योंकि ये जो गन्ना किस्म है, अगर आप लगातार गन्ने पे गन्ना करते आएंगे तो किसान भाई 38 की तरह बिल्कुल नहीं है कि आपको हर साल उतना ही उत्पादन देगी। अगर आप रोटेशन क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाएंगे तो इसका जो उत्पादन है आपका कम होता चला जाएगा। अगर आप इसमें रोटेशन नहीं अपनाएंगे तो कुल मिला के आपको रोटेशन अपनाना है। अगर नया खेत होगा आपका तो उसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा आएगा। अब गन्ने पर गन्ना आप हर साल करेंगे तो इसका उत्पादन इतना नहीं आएगा। और जो हाइट का मसला रहता है भाइयों, वो भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा फसल चक्र नहीं अपनाएंगे, नया खेत होगा तो आपकी हाइट गन्ने की काफ़ी अच्छी आएगी और कम मेहनत में काफ़ी अच्छी उपज देगा। और इसका जो हमें जो रेटून है, इसे आपको दिखाना चाहूँगा मैं। इसका रेटून जो गन्ने की पहले कटाई हो चुकी थी हमारे शुरू अक्टूबर में, तो देख पा रहे होंगे ये इसका रेटून इधर काफ़ी अच्छा चलने लगा है। तो कुल मिला के समय इसका जो रेटून है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और रेटून अच्छा आने का मतलब यह है कि आपका जो खर्चा है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो रेटून है ना काफ़ी अच्छा आता है। तो आप जो आपको जो नई बुवाई आपको कहीं करनी पड़ेगी, देख रहे होंगे आप कितने अच्छे इसमें कल्ले देने की क्षमता, देख रहे होंगे आप, यानी सभी कल्ले एक एक सिंगल बड़ से प्लांटिंग की थी पिछली बार, उसी से यह एक एक ठूंठ से इतने कल्ले आपको नज़र आएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद किसान भाइयों, क्योंकि लगातार आपको हम गन्ने से जुड़ी हुई, घाटियों से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले देते हैं।